चक्काउसा के लोगों ने पीने के पानी की अदम दस्तियाबी को लेकर श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर एहतजाजी धरना दिया। पानी के मटके हाथों में लिए हुए मर्द खवातीन इस मुजाहरे में शामिल थे। लोगों ने बताया कि अगरचे हुकूमत ने करोड़ों रुपए की लागत से एक स्कीम को मंजूरी दी थी, लेकिन आज तक उसका काम भी शुरू नहीं किया गया। डीओ नारावल और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर मुनासिब इकदाम का लोगों को यकीन दिलाया और इस एहतजाज को खत्म करवाया। करती है, हम हर घर को पानी पहुँचा रहे हैं, मगर कहाँ है पानी? हमने तो नहीं देखा है पानी में, पानी नहीं देखा है। पहले से ही स्कीम एक बनी हुई है, प्रोजेक्ट बना हुआ, सबमिट हुआ हुआ, इस सब कुछ एस्टिमेट्स वगैरह सबमिट हैं। अब ये स्कीम जो है मेगा स्कीम है, टेंडरिंग के लिए हमने भेज दिए जी, लेकिन अब इसमें थोड़ा मसला तो नहीं है? अब थोड़ी गवर्नमेंट के रूल्स थोड़े चेंज हो गए हैं, अब सिंगल टेंडर सिस्टम आ गए हैं। सिंगल टेंडर सिस्टम में सारा काम एक ही कॉन्ट्रैक्टर को लेना है, तो उस वजह से ये काम किसी को अलर्ट नहीं हो रहा है, इसमें बार बार फ्रेश हो रहा है। और टीओ डिपार्टमेंट का सरकार का है तो, मगर लोग सफर हो रहे हैं, लोगों को मुश्किल आ जाती है। मैं जिस पोजीशन पे हूँ तो ये मेरे हाथों में ये नहीं है कि मैं उसमें, मतलब ये मेरे पहुंच से बाहर है। अगर हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास आता है, उसके पास अलॉटमेंट है, हम दूसरे दिन हम काम स्टार्ट कर सकते। रिंग वार्ड किलर शोपिया में